लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को होना है। बीते दिन बुधवार 17 अप्रैल को इसका चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और वोटर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद कर देंगे। इसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तो वहीं आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि पहले चरण में कहां कहां पर होंगे मतदान। दरअसल पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो अब बात करते हैं पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा चुनाव। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पूर्व और अरुणाचल प्रदेश पश्चिम। असम की 5 सीटों पर होगा चुनाव, डिब्रूगढ़, जोरहाट, कांजीरंगा, लखीमपुर और सोनितपुर। बिहार की 4 सीटों पर होगा चुनाव, औरंगाबाद, गया, जुमई, नवादा। छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर होगा चुनाव। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सीधी और शहडोल। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, रामटेक। मणिपुर की 2 सीटों पर होगा चुनाव, आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर। मेघालय की 2 सीटों पर होगा चुनाव, शिलांग, तुरा। मिजोरम की 1 सीट पर होगा चुनाव, नागालैंड की 1 सीट पर, पुडुचेरी की 1 सीट पर, सिक्किम की 1 सीट पर, लक्षद्वीप की 1 सीट पर। राजस्थान की 12 सीटों पर होगा चुनाव, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर। तमिलनाडु में पहले चरण में सभी 39 सीटों पर होगा मतदान, जिसमें तिरुवल्लुर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्री पेरंदुपुर, कांचीपुरम, अराकोनम, वेल्लोर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवनमलाई, अरणी, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, सलेम, नामक्कल, ईरोड, तिरुपुर, नीलगिरी, कोयटम्बूर, पोलाची, डिंडिगुल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर, कुड्डालोर, चिदम्बरम, मलयादुथुराई, नागपट्टिनम, तंजावुर, शिवगंगा, मदुरै, थेनी, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, थुटुकुडी, तेक्कासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। उत्तर प्रदेश चरण 1 में 8 निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट पर होगा चुनाव, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर होगा चुनाव, जिसमें उधमपुर सीट शामिल है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर होगा चुनाव, जिसमें टिहरी, गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार शामिल है। त्रिपुरा की 1 सीट पर होगा चुनाव, त्रिपुरा पश्चिम। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।